चलिए बेटा, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स में से ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेई मेन के हिसाब से देखें चाहे जेई एडवांस के हिसाब से देखें, दोनों के ही हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके सवाल पक्के पूछे जाएंगे, इसके सवाल हमेशा ही पूछे जाएंगे, इसके सवाल के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मेन हो चाहे एडवांस हो। खैर, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मेन में तो हर चैप्टर के ही सवाल बराबरी से पूछ ही लेते हैं, लेकिन एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस के अंदर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सवाल है वो पक्का ही आता है, और जो आता है ना वो अच्छा भी आता है, बढ़िया सवाल आता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन एग्जाम ऑफ एडवांस्ड। सो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए, और बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान चैप्टर है, रिलेटिवली प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा है। जिस किसी बच्चे ने इसके सवाल ज़्यादा लगा रखे होते हैं वो बड़े आराम से इसका सवाल कर सकता है, चाहे वो एडवांस का हो चाहे ओलंपियाड का हो चाहे केवीपीआई को, प्रैक्टिस बेस्ड काइंड ऑफ चैप्टर है। सो आई होप आप लोग बड़े आराम से इस चैप्टर को पढ़ोगे, समझोगे, एंड थिंग्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, दे आर वेरी ईजी। इसका बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, और आजकल जैसा जेई मेन और जेई एडवांस के सवाल पूछने की बड़ा जो साइकिक है उसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी है कि वो लोग प्रैक्टिकल्स के और एक्सपेरिमेंट के सवाल ज़्यादा पूछते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल जो एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन है उसमें तो और भी ज़्यादा सवाल पूछ जाने की संभावना है, तो ठीक है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि सीधा एक्सपेरिमेंट वाला जो किस्सा है वहाँ तक हम सीधे नहीं पहुँच सकते, हमें बहुत सारी बातें पहले बीच में जाननी पड़ेंगी, और उसके बाद में हम आखिर में जाके एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन देखेंगे जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आई होप दैट्स ओके। तो चलिए बेटा, सबसे पहले डिफाइन करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ करंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बोलना या करंट बोलना एक ही बात है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस हो रहा है, दैट रेट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन से लगातार चार्ज ऐसे भाग रहा है बेटा, यू भाग रहा है। मान लीजिए कि बेटा इस क्रॉस सेक्शन से टाइम टी से लेकर टाइम टी प्लस डेल्टा टी तक इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज भाग गया। बेटा डेल्टा क्यू चार्ज भाग गया। सो इस चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करेंगे। लिख भी लेना, इट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है बेटा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। जैसे अगर मैं इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए कहूँ तो बेटा मैं यहाँ पर एवरेज करंट डिफाइन कर सकता हूँ, एंड दैट एवरेज करंट विल बी टोटल चार्ज पास्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं कहूँ बेटा मुझे कभी इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करना है तो मैं कह सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस करंट इज छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, देन आई से छोटा सा टाइम इंटरवल, आई मीन दैट कि टाइम टी से लेकर टाइम टी प्लस डी टी, इस छोटे से डी टी टाइम इंटरवल के अंदर मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन से छोटा सा चार्ज गुजरा, और जो छोटा सा चार्ज गुजरा है वो हमारे पास डी क्यू है। सो दिस छोटा सा चार्ज फ्लोन अपॉन छोटा सा टाइम टेकन, बट दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट बोल दो या बेटा सिर्फ करंट बोल दो, एक ही बात है, आप सिर्फ आई भी इसको लिख सकते हो। सो यू कैन सी कि करंट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या फिर डी क्यू अपॉन डी टी, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा हम एवरेज डिफाइन कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहां से बेटा करंट के बारे में आपको जो कोई बातें समझ में आई हो सब लिख सकते हो। सबसे पहले करंट की यूनिट, एज यू कैन सी दैट इट इज कूलम्ब पर सेकेंड, इट्स यूनिट इज बेटा कूलम्ब पर सेकेंड, ऑल्सो नोन एज एम्पियर्स। ऑफकोर्स इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो बेटा ये तो बहुत ही फंडामेंटल डायमेंशन है, बल्कि हमने चार्ज की डायमेंशन करंट से निकाली थी, तो इसकी फंडामेंटल डायमेंशन है उसे हम आई रिप्रेजेंट करेंगे बेटा।
कुछ कुछ बुक्स में बड़ा इसको ए बी लिखा रहता है, बस अपनी शीट में अपनी डीपीपी में हर जगह आई ही लिखा होगा, मेन के एग्जाम में भी आई लिखा होगा, कुछ बुक्स में बड़ा डायमेंशन इसके कैपिटल ए बी लिखी हुई है, सो यू मस्ट नो इट। बाकी बड़ा अपन लोग तो आई ही यूज करेंगे। अगली बात बड़ा, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट फॉलोज स्केलर एलजेब्रा। इसका जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग है, जो एलजेब्रा है, वो सारा का सारा है ना स्केलर है। जैसे मैं एक बात एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए कि बेटा ये एक वायर, इनके बीच में एंगल थीटा, और यहाँ बेटा तीसरा वायर, मान लीजिए कि इसमें करंट है I1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर, इसमें है करंट I2 लेट से बड़ा 4 एम्पियर, तो इसमें करंट कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर इसमें करंट 3 एम्पियर है। अच्छा बड़ा, ये कुलाम पर सेकंड को अपन लोगों ने एम्पियर बोल रखा है, तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट है। इस बात का अर्थ यह कि हर एक सेकंड के अंदर 3 कुलाम चार्ज आ रहा है। यहाँ पर अगर 4 एम्पियर करंट है, इस बात का अर्थ यह कि हर सेकंड में यहाँ पर 4 कुलाम चार्ज आ रहा है। तो इस जंक्शन पर 3 कुलाम इधर से, 4 कुलाम इधर से, कुल मिलाकर 7 कुलाम चार्ज आया है। वी नो दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ऑब्वियस बात है कि 7 कुलाम आया है, तो पर सेकंड 7 कुलाम जाएगा भी। पर सेकंड अगर 7 कुलाम चार्ज जाएगा, तो ऑफकोर्स यहां पर करंट की वैल्यू हो जाएगी 7 एम्पियर। डिड यू सी दैट दिस आई इज सिंपली I1 प्लस I2। इन दोनों करंट का जो समेशन है बड़ा, हमारे पास 7 एम्पियर यहां पर आ गया। अगर ये वेक्टर होता, देन यू नो इट वेरी वेल कि बड़ा I1 और I2 का जो समेशन है बड़ा, वो वेक्टर के अंदर तो रूट ऑफ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, उस फॉर्मूले से होना चाहिए था। लेकिन तो बिल्कुल जैसे सिंपल किसी दो टर्म्स को जोड़ते हैं स्केलर्स, बिल्कुल वैसे ही जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, स्केलर एलजेब्रा या वेक्टर एलजेब्रा? तो आप कह रहे होंगे कि सर तो स्केलर एलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, सो ऑफकोर्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन इफ इट हैज सम डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि सर डायरेक्शन होगी किधर। डायरेक्शन होगी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है उस तरफ, अलोंग मोमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो अलग बात है कि अक्सर बेटा पॉजिटिव चार्ज भागता नहीं, अक्सर नेगेटिव चार्ज भागता है, लेकिन कभी अगर पॉजिटिव चार्ज भाग रहे हो, मान लो कैटायंस भाग रहे हो, तो जिस तरफ कैटायंस भाग रहे हो उस तरफ बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिस तरफ जा रहा है बेटा, करंट उसके अपोजिट है। ये हमने कन्वेंशन ले लिया। जैसे मान लीजिए कि बेटा हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा करंट इस तरफ है। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज मान लीजिए कि बेटा इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा करंट इस तरफ जा रहा है। तो हमने कन्वेंशन ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है उस तरफ आपका करंट है, या फिर जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट। ये हमारे ज़्यादा काम का है, क्योंकि बेटा तुम जानते ही हो, मैं आपको बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुका हूँ ये बात कि कंडक्टर्स के अंदर भागने की जिम्मेदारी, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जिम्मेदारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। प्रोटॉन्स तो फिक्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जिस तरफ भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल टू अस कि जिस तरफ आपका करंट होगा, सॉरी बेटा, जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। आई होप दैट्स ओके। ये बड़ा हमारे करंट की कुछ बातें हैं। स्केलर है डायरेक्शन होने के बावजूद, डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट है। आई होप दैट्स ओके। ये बड़ा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलिए बड़ा, हम एक टर्म और डिफाइन कर रहे हैं बेटा। उस टर्म को सिर्फ और सिर्फ जानना ही है आपको बेटा, ऐसे बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं पता करनी। दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज करंट डेंसिटी। बेटा करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या बेटा सुनना। मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई इस तरह का क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में से बड़ा मान लीजिए करंट जा रहा है ऐसे,
लेट्स से करंट इज आई, ये अगर क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शनल का एरिया अगर ए है, बट दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन वी से दैट कि करंट डेंसिटी इज, बट करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना करंट जा रहा है पर यूनिट एरिया, बट ऐसे हम करंट डेंसिटी कहेंगे। एक खास बात इसमें यह है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन बताने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर यूज कर लिया, एन कैप। सर यूनिट वेक्टर किस तरफ है, ये यूनिट वेक्टर है करंट की तरफ। सर करंट तो वेक्टर नहीं था, अरे भाई करंट वेक्टर नहीं था लेकिन करंट के पास डायरेक्शन तो थी, तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन हमारे करंट डेंसिटी की है। मेरी बात को गलत अर्थ मत निकाल लेना, मैंने ये नहीं कहा कि करंट वेक्टर है, करंट तो उसके अंदर ही है लेकिन डायरेक्शन तो थी, जो डायरेक्शन करंट की है वही आपकी करंट डेंसिटी की है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग करंट, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग करंट, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग करंट। इतनी सी बात बड़ा आपको याद रखनी, करंट डेंसिटी इज बड़ा करंट अपॉन एरिया, इतनी सी बात याद रखनी, और डायरेक्शन जैसे बताया दिया। इसके बारे में कुछ बातें, बिल्कुल यूनिट, यूनिट इज ऑफ कोर्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन करंट के डायमेंशन तो आई, मीटर स्क्वायर ऊपर गया तो लेंथ का स्क्वायर ऊपर गया, लेंथ का स्क्वायर ऊपर गया तो एल माइनस टू। बेटा जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर है या स्केलर है, तो आपको भी हाँ सर बिल्कुल वेक्टर है, और वेक्टर तो है लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप कह सकते हो कि सर डायरेक्शन इज अलोंग करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वही आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। आई होप इट विल वर्क। एक छोटी सी बात और, मान लीजिए कि कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है और करंट का फ्लो ऐसे है, करंट का फ्लो ऐसे है तो करंट डेंसिटी ऐसे होगी, करंट डेंसिटी ऐसे होगी, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस का एरिया ए है, सरफेस का एरिया ए है। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए कि एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच में एंगल है आई, एंगल है आई, तो आप करंट को बड़े आराम से लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस जे वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा बेटा कॉस थीटा और एक आएगा साइन थीटा। करंट डेंसिटी का जो कंपोनेंट बेटा साइन थीटा वाला है उसके कारण इस क्रॉस सेक्शन से कोई करंट नहीं गुजरा है, उसके कारण बेटा ऐसे साइड से निकल गया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही काम आएगा। तो जे कॉस थीटा इंटू ए ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि इट इज बेसिकली जे डॉट ए, बट इट इज बेसिकली जे डॉट ए। तो अगर बेटा कभी करंट डेंसिटी से करंट वगैरह निकालना हो तो बेटा दैट इज जे डॉट ए। आई होप दैट्स ओके, ये याद रखना बड़ा अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कभी, हालांकि बेटा इतना हाई फाई नहीं पूछेंगे कभी, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि कभी आपके करंट डेंसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह सेम नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, और ऐसे बड़ा कोई क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ठीक है, इसका एरिया है मेरे पास ए और इसमें से गुजरने वाला मुझसे करंट पूछा गया, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें एक छोटा सा एरिया लूँगा, ऐसे छोटा सा एरिया लूँगा, उसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे डी एस। मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट डेंसिटी आएगी ऐसे, लेट्स से दैट इज जे। तो इस इतने से क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर छोटा सा करंट गुजरेगा, जो छोटा सा करंट गुजरेगा उसको मैं लिख दिया डी आई, उसकी वैल्यू होगी, मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से जे डॉट डी एस। सो बड़ा एरिया ए, इसे डी ए ले लो, बड़ा छोटा सा एरिया डी ए ले लो, अच्छा लगेगा, ठीक डी ए ले लो एरिया को,
एस भी लिख सकते बेटा, कई जगह ऐसे लिखा रहता है इसलिए मेरा दिमाग में वो भी आ गया। इस इतने से क्रॉस सेक्शन में से इतना सा करंट गुजरेगा, मुझे तो बेटा यहाँ से भी करंट निकालना है, यहाँ से भी निकालना है, यहाँ से भी निकालना है, पूरा निकालना है। तो मेरे बच्चे से बोलेंगे सर पूरा निकालना, तो जोड़ दो। जोड़ना मतलब बेटा क्या, इंटीग्रेशन। तो दैट इज इंटीग्रेशन। सो करंट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए या बेटा जे डॉट डी एस। तो अगर कभी आपकी करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ये बेटा डी ए वैक्टर जो है ये आपका एरिया वैक्टर है। एरिया वैक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जिस तरफ भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपका एरिया वैक्टर होगा। एरिया वैक्टर के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं सवाल कराए थे तब भी मैंने आपको बड़ा बता दिया था। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक तो एरिया वेक्टर क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो अपन सवाल करते करते भी देख ही लेंगे, कोई इतना बड़ा काम है नहीं। आई होप दैट्स ओके। इसको देखकर हो सकता है कि मेरा बच्चा है ना कोई इसका नाम निकालना चाहता हूँ कि सर इसका नाम निकाल सकता हूँ मैं। बड़ा बिल्कुल निकाल सकते हो। इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी। बड़ा याद करो, जे डॉट डी एल होता तो उसे हम लाइन इंटीग्रल बोलते थे, समथिंग डॉट डी ए होता है तो हम उसको क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। अगेन ये बात हमारे पास रिपीटेटिव है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे टर्म्स यूज की थी। तो आप कह सकते हो मुझे सर दिस इज बेसिकली क्या शब्द यूज किया बेटा, सरफेस इंटीग्रल। ऑफ करंट डेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट। करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल जो है बड़ा वाप का करंट। ठीक है, ऐसे कोई बहुत ऐसे तगड़ा स्टेटमेंट तो नहीं था लेकिन मुझे लगा कि इस तरह के टर्म्स अपन लोगों ने पहले देखे थे तो मैंने सोचा चलो रिलेट कर देते हैं, पहले भी सुन रखी है, पता था ऐसी कोई टर्म कभी आई आई टी वाइट में पूछ ली, ओलंपियाड वगैरह में पूछ ली, टर्म पहले से पता होगी तो मैं हल्के फुल्के हीरो तो बन ही सकता है ना। तो ऐसे हम कम से कम ऐसे टर्म देखकर घबराएंगे तो नहीं बाकी लोगों की तरह। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सवाल करते हैं ना। सवाल बच्चों थोड़ा सा बढ़िया ही है यार ना, अच्छा सवाल ही है। सुनिए, सुनो बेटा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, एक वायर है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक वायर है और उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस आपके पास आर है। मुझे ये गिवन है कि इस वायर के अंदर करंट डेंसिटी जो है वो ऐसे है, यू है। अच्छी बात है बेटा, करंट भी यू होगा, करंट डेंसिटी भी यू होगी, और करंट डेंसिटी ऐसे है कि एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, करंट डेंसिटी की वैल्यू है जे नॉट आर अपॉन कैपिटल आर। जे नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है एक्सिस से दूरी, कैपिटल आर क्या है पूरा रेडियस। इसका मेरे ख्याल से आप लोग अर्थ समझ गए होंगे कि एक्सिस पर आपके स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है तो वहां पर करंट डेंसिटी जीरो है। जैसे 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 हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे लगातार आर बढ़ता जा रहा है। आर अगर बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि हमारी करंट डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हर जगह करंट डेंसिटी सेम नहीं है, हर जगह करंट डेंसिटी सेम नहीं है, कोई बात नहीं। बल्कि आप एक रफ सा आइडिया लगा सकते हो, आप एक रफ सा आइडिया लगा सकते हो कि नज़दीक वाले पॉइंट्स पर करंट डेंसिटी कम है, दूर वाले पॉइंट्स पर करंट डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा दूर वाले पॉइंट्स में ज़्यादा है। सवाल है फाइंड करंट पासिंग
through this cylindrical wire. इस cylindrical wire से गुजरने वाला current बताओ, बताएंगे बेटा. पहले आप बताओ जे डॉट ए करूं या जे डॉट डी ए करूं. तो आपने बेटा मन में सोच लिया होगा कि सर जे तो यूनिफॉर्म में नहीं है, आपको तो जे डॉट ए करना पड़ेगा, सॉरी जे डॉट डी ए करना पड़ेगा. लेकिन डी ए कैसे चूज करो? डी ए में मुझे एलिमेंट ऐसे चूज करना पड़ेगा कि उसके हर पॉइंट पर आपका जे सेम हो, करंट डेंसिटी सेम हो. तो मेरे पास एक प्लान है, हो सकता है कि ये प्लान आपने भी सोच लिया हो, क्योंकि बेटा इस तरह के इंटीग्रेशन, इस तरह के एलिमेंट चूज करना कोई पहला काम थोड़ी है, पचासों बार कर चुके हैं. तो एक काम कीजिएगा, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ऐसे एक कट लगाओ, फिर आर प्लस डी आर पे एक कट और लगाओ. पहला है R पे, अगला है R प्लस डी आर पे. मैंने ये R पे इस तरह का ये एलिमेंटल रिंग इसलिए लिया बिकॉज आई नो दैट कि इसके हर पॉइंट पर J की वैल्यू जो है वो सेम है. क्योंकि बेटा एक्सिस से R डिस्टेंस यहाँ, R डिस्टेंस यहाँ, R डिस्टेंस यहाँ, R डिस्टेंस अंदर, हर जगह J की वैल्यू तो सेम है. जो J है आपका, इट इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर J की वैल्यू है J नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. इसका एरिया वेक्टर बड़ा है बाहर की तरफ. बाहर की तरफ क्यों? सरफेस है एस है तो एरिया वेक्टर एस है, और उस एरिया की वैल्यू है बड़ा बोलना कितनी है. आई होप बड़ा एलिमेंटल रिंग का एरिया आपको लिखना आता है, 2 पाई आर, दैट इज लेंथ इनटू थिकनेस, थिकनेस इज डी आर. करंट भी बाहर की तरफ, करंट डेंसिटी भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ. इस इतने से क्रॉस सेक्शनल एरिया में से चिन्ना सा करंट निकलेगा. काश हम वो चिन्ना सा करंट बता पाए. तो आपको वैसे चिन्ना सा करंट बताना कितना आसान काम है, करंट डेंसिटी इनटू करंट, सॉरी बेटा करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. आप बोलोगे सर उनके बीच में एंगल तो जीरो है. लेकिन आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से निकालना, मुझे तो पूरे के पूरे इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से निकालना है. बट अगर पूरे के पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से निकालना है तो आपको ऐसे छोटी छोटी आर रेडियस, आर रेडियस, आर रेडियस, आर रेडियस की रिंग्स लेनी पड़ेंगी और उन सबको जोड़ना पड़ेगा. जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन. सो इफ समवन इज आस्किंग कि सर नेट करंट कितना होगा, आई वुड से एक बड़ा इंटीग्रेट कर दो, 2 पाई बाहर, 2 पाई बाहर, जे नॉट बाहर, कैपिटल आर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा मेरे ख्याल से आर स्क्वायर डी आर आ गया. आर की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी करो? तो आपको बस जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरी कर दीजिए. चलिए बेटा कर देते हैं, दैट इज 2 पाई जे नॉट अपॉन आर. बेटा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई थ्री, लिमिट लगाऊंगा तो आर क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो क्यूब बाई थ्री. I think brother that is 2 pi j naught r square by 3. ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर, ये है टोटल करंट. I hope that's okay. इसी में एक सवाल और पूछ रहा हूँ, इसी में एक सवाल और पूछ रहा हूँ. Also find average current density. बड़े इस वायर के अंदर एवरेज करंट डेंसिटी कितनी होगी? आप भी सोच रहे होंगे कि सर आपने एवरेज करंट डेंसिटी शब्द तो पढ़ाया नहीं, ज़बरदस्ती पूछ रहे हो आप. हाँ बेटा मैं मानता हूँ कि मैंने कोई एवरेज करंट डेंसिटी जैसा शब्द यूज़ किया नहीं, बट इट डजेंट मीन कि मैं ना कोई सिंपल एप्टीट्यूड बेस्ड तुमसे डेफिनेशन ना निकलवा सकूँ. भाई तुम भी तो कुछ काम करोगे ना. तो बताओ सर कि एवरेज का क्या अर्थ, सॉरी एवरेज करंट डेंसिटी का क्या अर्थ सोच रहे हो? कुछ तो तुमने भी सोचा होगा. माना कि ये डेफिनेशन अपन लोगों ने नहीं डिफाइन की, कोई बात नहीं, नहीं बताया कि क्या डेफिनेशन है. लेकिन हम भी तो यार, अपन भी तो कुछ दिमाग लगाएंगे ना. हो सकता कि बच्चों ने सोच लिया हो कि सर एवरेज करंट डेंसिटी का अर्थ ये हो गया है कि इस पूरे के पूरे तार में सेम करंट डेंसिटी जाए एवरेज, और वो एग्जैक्टली उतना करंट भेज दे जितना ये सारा इस वेरिएबल जे से आया है. तो ऐसे में आप कह सकते हो कि द सेम करंट कैन बी रिटन एज जे एवरेज
पूरे में एवरेज करंट डेंसिटी सेम हर जगह मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब कोई करंट डेंसिटी का एवरेज पूछ लेगा, निकाल लो यहां, पहले करंट निकाल लो और उस करंट को लिख दिया एवरेज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका एरिया। पाई आर स्क्वायर मेरे ख्याल से निपट गया है, और जे एवरेज की वैल्यू आ गई, दैट इज 2J0/3, दैट इज 2J0/3। ये बट आपकी करंट डेंसिटी है। अगर पूरे तार में करंट डेंसिटी 2J0/3 रहती ना, तब भी उतना ही करंट आता जितना इस वेरिएबल करंट डेंसिटी से आया है। ये एक तरह से आप बड़ा बेसिक अर्थ निकाल सकते हो करंट डेंसिटी का, सॉरी एवरेज करंट डेंसिटी का। चलेगा बेटा, बात समझ में आ गई? अगर इस तरह कोई भी सवाल कहीं भी बड़ा आपसे है ना एडवांस्ड में, बड़ा मेन में, या बड़ा कहीं ओलंपियाड वगैरह में पूछे, आई होप आप लोग इसको कर सकते हो, कोई बड़ा काम तो लगा नहीं होगा आपको। आगे चलिए बेटा, सवाल थोड़ा और भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन चेंज कर दो, नया सवाल आ जाएगा, लेकिन जो लॉजिक्स हैं वो मोर और लेस यही रहेंगे, आपको कुछ अलग से काम करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट इज, मैं बेटा कंडक्टर्स के बारे में एक दो बातें बोलना चाहूंगा, हालांकि बातें रिपीटेटिव हैं, क्योंकि यार ना कंडक्टर्स के बारे में काफी डिटेल में मैं आपको ना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बता चुका हूं, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज वो मैं डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया से, लेकिन यहां पर चलिए मैं फिर से एक दो बातें रिपीट कर देता हूं। पहली ये कि कंडक्टर्स के पास है ना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए या चार्ज ले जाने के लिए। बड़ा दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द चार्ज कैरियर्स, और ऑफ कोर्स बड़ा चार्ज जहां जाएगा अपने साथ हो सकता है कि एनर्जी भी लेकर जाए, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेटा आपको ये कहां से आए कैसे हैं उसका हल्का फुल्का अगेन आपको बड़ा आइडिया है, मैं बता चुका आपको, कंडक्टर्स के अंदर बीचों बीच तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्कर काट रहे होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स लीस्ट एक्सपीरियंस करता है, और उस पर बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, लैटिस के अंदर दौड़ने लग जाएगा, जो बड़ा एटम जो पूरे पूरे आपके बस मेटल की स्ट्रक्चर है उस मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक भागने लग जाएगा। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंडेड टू न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं होते, दे आर फ्री टू मूव इन लैटिस ऑफ मेटल, बेटा मेटल बोल दो कंडक्टर बोल दो एक ही बात है, मेटल के लैटिस के अंदर बड़े आराम से बेटा ये चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा एक छोटा सवाल पूछता हूँ, सवाल ऐसे कोई फिजिक्स का सवाल तो नहीं है, सिंपल ऐसे मोल कंसेप्ट टाइप का सवाल आप कर सकते हैं। सवाल लिखिए बेटा, ए मेटल, अच्छा मैं एक बात और यहां पर डिफाइन कर दूं, और वो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नाम से ही आइडिया लग गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स में तो इंटरेस्ट नहीं है अपने को, अपने को इंटरेस्ट किसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कभी कोई पूछ ले बता सकते। हाँ बेटा सवाल पे आते हैं, ए मेटल हैज एटॉमिक मास नंबर 100 and each atom
हैज टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं, मुझे तो पता भी नहीं बेटा 100 एटॉमिक मास किसका है, मैं तो ऐसे रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। और उस हर एटम के पास बेटा दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे लिखो बेटा, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10,000 केजी पर मीटर क्यूब, देन फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मेटल की डेंसिटी 10,000 केजी पर मीटर क्यूब है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालिए कितनी है, निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, मुझे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी, उसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसका मतलब है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। स्मॉल एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 times नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत बेटा, हर एटम के पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी 2 times नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में लिख सकता हूं 2 times नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगैड्रो नंबर अपॉन बेटा ऑफकोर्स वॉल्यूम। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे, बेटा नंबर ऑफ मोल्स में लिखूंगा मास अपॉन मोलिकुलर मास। बट मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में ऐसे यूज करते होंगे, मास ऊपर मोलिकुलर मास ऐसे, है ना, स्मॉल एम और कैपिटल एम यूज करते होंगे ना, इनटू अवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। सर ये तो दिए हुए नहीं है ये स्मॉल एम और ये वी वगैरह, बेटा स्मॉल एम और वी नहीं दे रखे, लेकिन स्मॉल एम अपॉन वी तो दे रखा है। दिस इज योर डेंसिटी बेटा, दिस इज योर डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मेटल क्या होती है, मेटल का मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास आ गया 2 times डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू अवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। आई होप दैट्स ओके, चल जाएगा अपने काम तो बड़े आराम से। आपको बड़ा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बड़ा आपका आंसर आ जाएगा। मैं पुट करता हूँ बेटा। हाँ बेटा, डेंसिटी आ गई 2 times डेंसिटी, डेंसिटी 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट। अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नंबर इज 6.023 × 10^23 डिवाइड बाई कैपिटल एम। बेटा कैपिटल एम लिखने में गलती मत कर देना, मैं कारण बता रहा हूँ, सुनना बेटा। कैपिटल एम है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमें 100 दे रखा है, मास नंबर 100 दे रखा है, इसका मतलब मास है 100 ग्राम पर मोल, यही होता होगा बेटा, ऐसे लिखते होंगे। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं बेटा, हमने सब का सब देखो, ये केजी पर मीटर क्यूब में यूज किया है, ये मोल में यूज किया है, तो उसको भी तो कम से कम हमें ना एसआई यूनिट में यूज करना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, दैट इज 0.1 केजी पर मोल, ठीक है ना। सिर्फ यहां पर 0.1 लिख दीजिए, ठीक है ना। बेटा हमारे पास आंसर आ गया, आई थिंक बेटा ये तो 4 हो गया, वो बेटा मेरे ख्याल से 12.046 × 10^27 केजी पर मेट्रिक क्यूब, सॉरी केजी पर मेट्रिक क्यूब बेटा, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आप बोल सकते हो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीट्रिक क्यूब। केजी केजी तो कैंसिल हो गया, डेंसिटी में केजी पर मीट्रिक क्यूब था, ये बड़ा केजी आ गया, केजी से केजी क्या हो गया कैंसिल, तो वो सिर्फ मीट्रिक क्यूब बच गया। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब के अंदर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब के अंदर, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल उतना ही बढ़िया होता है। तो आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा एन है ऑफकोर्स बेटा आपका उस मेटल का मेटलिक नेचर उतना ही ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए इस बात को।
आगे चलते बच्चों। एक छोटा सा काम और करते हैं मैडम, करंट को और चार्ज कैरियर्स की जो वेलोसिटी है उनको रिलेट करते हैं कि चार्ज कैरियर्स की अगर वेलोसिटी दे रखी हो तो हम करंट वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको याद रख सकते हैं, हल्का सा बड़ा उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो भी बड़ा चार्ज को लेकर जा रहे हैं उनकी अगर वेलोसिटी दे रखी हो तो करंट कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बड़ा मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसे है कि नहीं, खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं ऐसे। ऐसे इनका एन गिवन है, एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बड़ा दे रखा है मुझे। स्मॉल एन मतलब बड़ा, वही है कि दिस इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है। ठीक है बेटा, हर चार्ज कैरियर के पास बड़ा चार्ज है क्यू, सबके पास बड़ा क्यू क्यू चार्ज है, सब आइडेंटिकल है, सबके पास बड़ा चार्ज है क्यू। यहां तक बड़ा कहानी समझ आ गई? ठीक, यहां तक कहानी समझ आ गई। मान लीजिए कि बड़ा आपके पास है ना ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ठीक है, और सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स ऐसे वी वेलोसिटी से भाग रहे हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से भाग रहे बड़ा सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना करंट है, करंट का मतलब कितना चार्ज भाग रहा है प्रति यूनिट टाइम, कितना चार्ज भाग रहा है पर यूनिट टाइम, निकालने की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा मान लीजिए ये टाइम टी है, ये टाइम टी है, थोड़े से टाइम बाद टी प्लस डी टी टाइम के अंदर देखना बेटा इसी क्रॉस सेक्शन को हम पीछे की तरफ ऐसे खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, इसी क्रॉस सेक्शन गिर गया यार। हाँ बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, चलिए मैं ना टी से लेकर टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल को डिस्कस करना चाहता हूं। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर ये लेंथ वी डी टी है, अगर ये लेंथ वी डी टी है तो अगले डी टी टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन को पार कर जाएंगे। सही बोला बेटा, डी टी टाइम के अंदर ये वाला चार्ज पार्टिकल भी सामने की तरफ वी डी टी चल लेगा, तो इसके बीच में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुके हैं और उनका जितना चार्ज है दैट चार्ज अपॉन ही डी टी टाइम, यही तो इस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला करंट हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर करंट होगा कितना चार्ज पास हुआ है डिवाइड बाय चार्ज पास होने में कितना समय लगा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज पास हुआ है उसमें समय लगा है डी टी, उस डी टी टाइम के अंदर वो सारा का सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है जो इस सिलेंडर के अंदर है। सर इसके अंदर कितना चार्ज है सोचते हैं, इसके अंदर कितना चार्ज है सोचते हैं, पहले ये देखते हैं कितने चार्ज पार्टिकल है, कितने चार्ज पार्टिकल है,
चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एन मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम है ए इंटू वी डी टी। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये हो गया नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम मतलब बड़ा ये वाला वॉल्यूम। ये तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की संख्या है, इसे मुझे नंबर नहीं चाहिए, उन चार्ज पार्टिकल्स के पास कितना चार्ज है वो चाहिए। हर चार्ज के पास अगर क्यू चार्ज है तो इतने चार्ज पार्टिकल्स के पास कितना चार्ज होगा, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई विद क्यू, डी टी से डी टी कैंसिल, और हमारे पास कितना बड़े आराम से बड़ा करंट की वैल्यू आ गई है एन इंटू ए इंटू वी इंटू क्यू। चलेगा, ये हमारा करंट आ गया। इसे एक बार के लिए याद कर सकते हो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि ना हमेशा ही काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बट कभी ना कभी तो काम आ सकता है, है ना। अब आगे चलें, है ना। मैं कहूं कि बेटा मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है, दैट इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए को नीचे ले आओ, बेटा मेरे पास आ गया एन इंटू वी इंटू क्यू, एन इंटू वी इंटू क्यू, ये आगे बढ़ा करंट डेंसिटी। आप चाहो तो करंट डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप बोलो सर डायरेक्शन तो है n इंटू वी इंटू सॉरी मैग्नीट्यूड तो है n इंटू वी इंटू क्यू, और डायरेक्शन है जिस तरफ वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की उसी तरफ बड़ा करंट होगा, क्योंकि q को हम पॉजिटिव माने तो जिस तरफ चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं करंट भी तो उसी तरफ। तो आप कह सकते हो सर वेलोसिटी की तरफ, मैंने लगा दिया वी कैप, वी इंटू वी कैप बड़ा वी वेक्टर होता है, तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास आ गया दैट इज n इंटू क्यू इंटू वी। आई होप यू गेट द पॉइंट, दैट इज एन इंटू क्यू इंटू वी वेक्टर। बट हमारा ये करंट डेंसिटी आ गया। अगर आपका चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्यू को नेगेटिव रख देना बेटा, तब भी सही आएगा, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव होगा, एक क्यू मान लो अगर नेगेटिव होता तो जिस तरफ वेलोसिटी है करंट डेंसिटी उस तरफ नहीं, करंट डेंसिटी उसके अपोजिट है, तो माइनस हो तो माइनस लिख दो बेटा, आपका आंसर तब भी सही आएगा। तो क्यू को आप विथ साइन लिख दें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़ा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा बहुत ही कोई तगड़ा फॉर्मूला आ गया कि हाँ यार ना मजा आ गया, ऐसा नहीं है, शायद ही कहीं यूज़ हो, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि बेटा तुम लोग एक बार के लिए याद रख लो, मेरी आगे की कुछ डेरिवेशंस में ये काम आएगा, बस इसीलिए बता रहा हूँ, और कोई बड़ा इनका रोल है नहीं है ना। आई होप दैट्स ओके, आगे चलते हैं।